आज तो काफी एडवेंचर होने वाला है लग रहा है कि भाई ये राइट में है रिवर और ये है रास्ता स्वर्ग में भाई एकदम। ये देखो तो फ्रेंड्स एडवेंचर हो गया है चालू और ये है पूरी ऑफ रोड। पूरी मिट्टी कटी हुई है, जरा सी बची है। अरे भाई आ ना, नहीं छोड़ा है, गिर गई बाइक। सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल द लाइफ राइड्स वंस अगेन। सो आज हम फिर से अपना एडवेंचर कंटिन्यू करने वाले हैं। आज है डे 5 हमारे इस नेपाल राइड का। आज बहुत मजा आने वाला है, काफी एडवेंचरस ट्रिप होने वाली है। इन 5 दिनों में हम कभी इतना जल्दी नहीं निकले। आज मॉर्निंग के अभी बजे हैं 6:20 एंड आज हम लोग बहुत जल्दी निकलेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम लगता है वहां पहुंचने में। तो भाई बस 5 मिनट में हम लोग निकलने वाले हैं। ये स्वतंत्रा भाई रेडी हो रहे एंड सामान लगेज वगैरह पैक हो गया है, टॉप बॉक्स एंड एक पैनियर लोड भी कर दिया है, एक है तो इसको बस लेके जाएंगे सारे राइडिंग गियर डाल के। मैं भी रेडी हूँ फ्रेंड्स, तो हम लोग कम्प्लीटली रेडी हो गए हैं। तो ये है मेरी बाइक, ये टैंक बैग, पैनियर्स, टॉप बॉक्स, एवरीथिंग इज लोडेड एंड बाइक भी देखिए एकदम क्लीन लग रही है क्योंकि कल हम लोगों ने इसको वॉश करवा दिया था, चेन लीव वगैरह कर दिया, सारे स्क्रू नट सब चेक करवा लिए। बताइएगा कैसा लग रहा है लुक बाइक का कमेंट करके। फ्रेंड्स ये है जॉस्टल पोखरा जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे 4 दिनों से। आज है 5th डे और फाइनली हमने कर दिया चेकआउट पोखरा से। चलो लेके भोलेनाथ का नाम शुरू करते हैं आज की राइड। तो पोखरा से निकलने से पहले एक बार फिर से आप व्यू देख लीजिए पोखरा का। सुबह का मौसम ना बहुत ही प्लेजेंट होता है एकदम। यह है लेक, थोड़ा ठंडा मौसम है, मतलब इतना ठंडा नहीं है कि आपको ठंडी वाले कपड़े पहनने पड़े, मौसम एकदम मस्त है। तो अभी हम निकल गए हैं मस्टैंग के लिए, तो जब तक वापस नहीं आते तब तक ये पोखरा का व्यू देखने नहीं मिलेगा अब इस व्लॉग में। मे बी 2 दिन में अगर वापस आते हैं या फिर 3 दिन में वापस आते हैं तो नीचे मस्टैंग से वापस पोखरा ही आएंगे। देन अगेन हो सकता है कि पोखरा में एक नाइट और स्टे करना पड़ जाए, तो देखते हैं जैसा होता है। फिलहाल तो अपनी एडवेंचर राइड जारी है। आई होप आप सभी को व्लॉग्स देखने में मज़ा आ रहा होगा। सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार इसी तरह दिखाते रहिए, लाइक ज़रूर करिए वीडियो, शेयर करिए और लोगों को, एंड अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आपके सपोर्ट से ही हम हैं। ये है पोखरा सिटी, अभी भी हम पोखरा सिटी में हैं, हालांकि राइड के लिए निकल गए हैं मुक्तिनाथ के लिए एंड आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। तो बने रहिए इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है रास्ते में आज बहुत बेहतरीन बेहतरीन नज़ारे देखने को मिल जाए। तो भाई नज़ारे अभी से चालू है, इसके पीछे वो देखेंगे तो आप ध्यान देंगे तो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं। आज हो सकता है मस्टैंग में बर्फ़ वाले पहाड़ मिल जाएंगे। और ये है पेट्रोल पंप, तो यहाँ पहले फ्यूल कराते हैं फुल। हमने फ्यूल तो फुल करवा लिया है, थोड़ा पेट्रोल पहले से था तो 8.6 लीटर आया जो कि अराउंड होता है कितना, समथिंग 1500 नेपाली रुपीज़, बिकॉज यहाँ पे जो रेट है वो है 183.25 नेपाली रुपीज़ पर लीटर। तो मैप में देखिए रिवर दिखा रहा है, ये रिवर है गंडकी रिवर जो कि पूरे रूट में है, मतलब अगर आप लोअर मस्टैंग जाएंगे तो किनारे किनारे पूरी गंडकी रिवर है और पूरा रास्ता। बट ये देखो पूरा गड्ढे, बारिश हुई है, पानी भरा हुआ है, तो आज तो काफ़ी एडवेंचर होने वाला है लग रहा है। अभी से ही साइन मिल रहा है। देखिए ऊपर पहाड़, बादल, तो अभी सुबह के 7:30 भी नहीं हुए, 7:20 हुआ है। तो ये देखिए भाई ये राइट में है रिवर और ये है रास्ता, ये रास्ते से हम जाने वाले हैं। रिवर देखिए कितना तेज़ है वाटर फ्लो, ये गंडकी रिवर ही है बट उसका स्मॉल पार्ट है, जैसे कि डिफरेंट ब्रांचेस निकली रहती रिवर से, तो इस रिवर को बोलते हैं सेती रिवर या फिर सेती गंडकी रिवर। बाकी आप देख ही रहे हैं रास्ता भाई, मज़ा आने वाला है एकदम।
फ्रेंड्स अभी तक हम पैरेलल आ रहे थे रिवर के, ये रिवर है तो यहाँ से छोटा सा ब्रिज ये क्रॉस किया हमने राइट लेके और फिर यहाँ से लेफ्ट जाना है, इसको यामदी पुल बोलते हैं। तो ये पहला ब्रिज है जिसे आपको क्रॉस करना है जब आप पोखरा से आते हैं। क्या व्यू है भाई, क्या नज़ारे हैं, मतलब यही एक्सपीरियंस करने तो लोग आते हैं यहाँ पे। मस्टैंग तो पूरा फुल ऑन एडवेंचर है, पूरा ऑफ रोड मिलेगा आपको। ये देखिए अभी थोड़ा अच्छी रोड मिली है बट पूरा रास्ता ऐसा नहीं मिलेगा। अभी आपने देखा इसके पहले कितना बेकार रास्ता था। भाई तो थोड़ा अभी अच्छी रोड मिली है तो ये रोड पता नहीं कहाँ तक अच्छी है, तो जब तक अच्छी है थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, बिकॉज पूरा ऑफ रोड रास्ता है तो बहुत ही धीरे जाना पड़ेगा एंड टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैप के हिसाब से ये दिखा रहा है 170 किलोमीटर एंड 6 आवर 20 मिनट्स, बट आपने पीछे रास्ता देखा उस रास्ते में नहीं लगता कि 6 आवर में पहुँचेंगे। पूरे रास्ते आपको बहुत मजा आए, मतलब व्यू एंजॉय करते हुए जाइए। देखिए बादल उड़ रहे हैं, पूरा पहाड़ बादलों से ढके हुए हैं। तो ऑन द वे जब आप जाते रहेंगे ना मस्टैंग की तरफ तो ऐसा कुछ व्यू है, वो सामने देखिए भाई पहाड़ है, वो देखिए बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं, वो ऊपर वो है अन्नपूर्णा हिमालयन रेंज। मस्टैंग जाने से पहले ही एक प्लेस है जॉमसन, तो अगर वो बीच में पड़ता है तो वहाँ भी जाएंगे शायद। तो जॉमसन है यहाँ से अराउंड 146 किलोमीटर एंड मस्टैंग है अराउंड 165 किलोमीटर, मतलब कि करीब करीब 20 किलोमीटर पहले पड़ेगा जॉमसन और जॉमसन। चल रहे हैं, ये हाईवे का नाम है मालधुन गाबेनी सड़क। स्वर्ग में भाई एकदम, ये देखो बादल क्या सीन है, मतलब एक नंबर बादल नीचे आ गए हैं भाई, हम बादलों में आ गए हैं। इसलिए यहाँ पे मौसम जो है ना थोड़ा ठंडा भी है और बारिश कभी भी हो जाती है। ऐसा जलेबी जैसा रास्ता है ये देखिए। तो अभी उस रोड से आए ऐसे, फिर घूम के अब इस रोड से जा रहे हैं वापस, ऐसे ऐसे करके रास्ता है पूरा। ये देखिए रास्ते में ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स आपको मिलते रहेंगे। तो ये देखिए मैप में पूरा, अभी ये से आए फिर ऐसे वापस जाएंगे पूरा। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं भाई ठंडी थोड़ा बढ़ती जा रही है। ये देखिए राइट साइड में क्या नज़ारा है, कैसा लग रहा है बताइए कमेंट करके ज़रूर। तो बहुत ही बेहतरीन रूट है भाई, अभी जस्ट हमने 20-25 किलोमीटर ही कवर किए हैं लेकिन जो मज़ा आ रही है राइड करने में। और अभी हम लोग बादलों से भी ऊपर हैं, ये लेफ्ट साइड में देखिए पूरा बादल है और हम बादलों से ऊपर हैं और ये पूरी है अन्नपूर्णा हिमालयन रेंज। तो भाई ये देखिए व्यू, वो पहाड़ है अपने से नीचे, हम इतना ऊपर आ गए कि बादल वगैरह सब अपने से नीचे हैं। वो देखो बादल लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा, वो सारे बादल। तो अभी ना एकदम ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, बादल में ही राइड कर रहे हैं, बादल में ही चल रहे हैं हम लोग। थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे बादलों का व्यू लेफ्ट राइट में दिखाया, तो अभी देखिए बिल्कुल कोहरा है, पूरा बादल से घिरे हुए हैं हम लोग एंड विजिबिलिटी एकदम कम होती जा रही है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं और ठंड बढ़ती जा रही है। तो देखिए सामने कुछ नहीं दिख रहा है अभी, बादल पेड़ सब दिखना बंद हो गए, सिर्फ कोहरा सिर्फ धुंध दिख रही है एकदम, बादल की वजह से पहाड़ पेड़ कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखिए एकदम विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। फुल ऑन एडवेंचर हो रहा है अभी, जो थोड़ा बचा है ना ऑफ रोड वाला एडवेंचर वो आगे मिलेगा। तो भाई ये थोड़ा सा ओपन एरिया था तो सीन लेने के लिए रुके हैं। ये देखिए पूरा क्लाउड्स की एक लेयर भाई साहब, ये माउंटेन्स पूरा ढके हुए हैं, ऐसा लग रहा है ना नीचे कि किसी ने कॉटन की पूरी एक लेयर बिछा दी है भाई, गद्दे जैसा एकदम। तो ऐसा कुछ व्यू आता है जब आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, मतलब प्लेन वगैरह से, एंड तो आप समझ लीजिए हम लोग अभी कितना ऊपर हैं, सारे माउंटेन्स देखिए हमसे नीचे दिख रहे हैं। तो अभी हम और ऊपर जाने वाले, तो ये रास्ता देखिए एकदम पतला है भाई, पूरा खाई है, यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, निकालो। तो ये देखिए ये तो यहाँ पे पहाड़ गिर गया, पूरा लैंडस्लाइड हुआ है, तो ये इसको सही कर रहे, रोड बनाई जा रही है वापस। तो रोड का कंस्ट्रक्शन चालू है, मे बी
कुछ टाइम बाद आप आओ तो यहाँ पे भी अच्छी रोड बन जाए भाई। बहुत ख़तरनाक रास्ता है, आराम से आना, एकदम ढलान है। तो भाई देख रहे हैं ना, फुल ऑन एडवेंचर हो रहा है। ये है ऑफ रोड का मज़ा, मतलब GS में आप आइए ऐसी रास्तों पे तो मज़ा ही आ जाएगा आपको भी और आपकी बाइक को भी। आगे ये थोड़ा सा रोड अभी अच्छी मिली है। तो फ्रेंड्स ऑन द वे हम लोग एक जगह पे रुके हुए, तो ये हमने मंगाई है चाय। ब्रेकफास्ट में कुछ ज़्यादा नहीं खाने वाले, बिस्किट हम साथ में लेके चले तो बिस्किट एंड चाय खाएंगे एंड फिर कंटिन्यू करेंगे रेन लाइनर पहनने के बाद, बिकॉज रास्ते में कहीं भी बारिश हो सकती है। वो हमारी बाइक पार्क है, बस 10-15 मिनट में ऐसे खा के निकलेंगे जल्दी, ताकि जल्दी कवर कर सके। तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट करके जस्ट निकले हैं एंड ये देखिए एकदम क्लाउड्स में, मतलब उसके वजह से कोहरा बहुत है एंड कोहरे में ऐसा लगता है ना कि बारिश हो रही है। चल रहे हैं बगलंग हाईवे पे, हाईवे नहीं है राजमार्ग बोलते से, बगलंग रोड कह सकते हैं आप ये। तो कहीं कहीं पे थोड़ा रोड अच्छी है फिर ऑफ रोड मिलता है। तो इस रास्ते पे एक चीज़ तो है कि आप कभी बोर नहीं होंगे, पूरा रास्ते आपको व्यूज़ मिलेंगे, चारों तरफ आप नेचर से घिरे हुए हैं, क्लाउड माउंटेन्स ट्रीज सब कुछ है, मतलब ग्रीनरी सीनरी सब मिलेगा आपको। तो एंजॉय करते हुए जाइए मस्त जहाँ तक रोड अच्छी है, बट जहाँ पे ऑफ रोड है तो आपका पूरा ध्यान आपको रोड पे रखना होगा, ताकि बहुत ही संभल के आप राइड कर सकें सेफली। जैसे बीच बीच में छोटे छोटे विलेजेस भी हैं जहाँ पे लोग रहते हैं और शॉप्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे आप स्टॉप वगैरह ले सकते हैं ब्रेकफास्ट या फिर रिफ्रेशमेंट के लिए। ये ऑन द वे भंसार चेकिंग हो रही है, तो यहाँ पे ऐसे ट्रैफिक पुलिस वाले भंसार चेक करते हैं जब आप जाते हैं मस्टैंग की तरफ। तो मस्टैंग की तरफ ही नहीं, मतलब पूरे नेपाल में कभी भी कहीं भी ट्रैफिक पुलिस वाले चेक कर सकते हैं। तो भंसार जो बनवाते हैं आप उसको बहुत संभाल के रखिए, क्योंकि जब तक आप वापस नहीं जाते तब तक उसकी ज़रूरत रहेगी। धौलागिरी का एंट्री गेट है, तो धौलागिरी माउंटेन रेंज शुरू हो जाता है यहाँ से, इधर से धौलागिरी जाने का भी रास्ता है बट हम धौलागिरी नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए पहाड़ों से पानी गिर रहा है एंड ये पूरी रोड पहाड़ों के किनारे ऊपर माउंटेन्स है, रोड है एंड राइट में है रिवर। तो भाई मोदी जी के चर्चे हर जगह, ये देखो मोदी पुल आ गया, मोदी ब्रिज। एंड यहाँ पे अभी ऑफ रोड थोड़ा स्टार्ट हो गया है, देखिए कैसे कैसे रास्ते हैं भाई। ये इतना सा रूट है, इधर से पानी बह रहा है, इसी से बस जाती है, इसी से कार जाती है, इसी से राइडर्स जाते हैं, सब जाते हैं इधर से। तो थोड़ा सा ऑफ रोड था बट आई थिंक वो वहाँ से थोड़ा आगे अच्छा रास्ता है, तो यहाँ से अच्छा रास्ता फिर से चालू हो गया। फिर से थोड़ा ख़राब रास्ता, ये देखिए रास्ते में पानी बह रहा है, आराम से निकालो भाई। माउंटेन से पत्थर काफ़ी गिरे हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया है, तो ये चीज़ एकदम संभाल के जानी है आपको बहुत ध्यान से। यहाँ देखो शेर भी लिखा हुआ है, बोर्ड लगे कि शेर रोड क्रॉस करते हैं यहाँ से। तो ये जंगल है तो यहाँ पे आपको वाइल्ड एनिमल्स भी मिल सकते हैं, तो रात में ज़्यादा ट्रैवल इधर नहीं करना है क्योंकि रिस्की है, बारिश कभी भी होती है, पहाड़ गिरते हैं, लैंडस्लाइड होता है, वाइल्ड एनिमल्स भी। तो जाना है क्या आगे? तो यहाँ पे रुकने का सोच रहे थे बट भाई पहाड़ को देख के थोड़ा डर लग गया कि पता चला हम रुके और पहाड़ ही गिर जाए, तो इसलिए यहाँ पे नहीं रुक रहे, थोड़ा आगे जाएंगे। फ्रेंड्स अभी हम रोड के साइड में थोड़ा रुके हैं व्यू कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ से सीन देखिए कुछ ऐसा है, ये रोड है सामने से और ये, तो ऐसे जगह आप रुके जहाँ से विजिबिलिटी हो, आने वाले को भी दिखे और इधर से भी आने वाले को दिखे। एंड ये देखिए यहाँ पे साइड में व्यू कुछ ऐसा है।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बगलंग रोड है ये, तो ये है पूरी देखिए वैली दिख रही है, ये है बगलंग वैली और वो देखिए पहाड़ पे लिखा हुआ है वेलकम टू बगलंग और नीचे देखिए वो रिवर बह रही है। मुक्तिनाथ ढोरपाटन सब यहीं से जाते हैं लोग, है इसका नाम है काली गंडकी रिवर। अभी हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और ये है सामने ब्रिज के बाद गेट बगलंग, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बहुत बेकार रोड है। तो फ्रेंड्स एडवेंचर हो गया है चालू और ये है पूरी ऑफ रोड। ये देखिए पानी बह रहा है, कीचड़ है, गिरे हुए पहाड़ सब यहीं पे हैं, कच्चा रास्ता है और किनारे है खाई। आराम से आराम से आराम से आराम से निकाल लिया भाई, पूरा आधी गाड़ी डूब गई थी, आओ आराम से। तो भाई ऐसे रास्ते हैं मस्टैंग जाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है। फुल एडवेंचर है, फुल फुल थ्रिल एंड एडवेंचर ऐसे रास्ते में जीएस को लेके आएंगे, बहुत मजा आएगी। अभी हो गए 11:15 एंड अब हम लोगों की स्पीड हो गई है काफ़ी कम क्योंकि पूरा रास्ता देखिए ऐसा ऑफ रोड आ चुका है, तो ऑफ रोड है पूरा तो ज़्यादा स्पीड में नहीं जा सकते, थोड़ा टाइम लगेगा। अब जाओगे क्रॉस करोगे? हम करें आ जाओ स्वतंत्र भाई। तो भाई रास्ता देखिए और एक तो ऐसे ही स्लो है, ऊपर से ऐसे ट्रक आ जाते हैं सामने, तो पूरा ऐसा रास्ता है मड वाटर स्टोन्स पेबल्स सारे हर्डल्स हैं यहाँ पे, पूरा कीचड़ कीचड़ है भाई, तो यहाँ पे बहुत संभल के चलाना है आपको। तो आज हो रहा है अपनी बाइक का पूरा टेस्ट। तो मैंने GS ली थी अराउंड 2 ईयर्स पहले, अभी 2023 में दिसंबर में होगा 2 साल और ये फर्स्ट टाइम है जब मैं ऐसे किसी टेरेंस में राइडिंग कर रहा हूँ। अभी तक बेहतरीन लग रहा है राइड करने में एंड GS में जो कंफर्ट है ना, जो सस्पेंशन की वजह से मज़े आ रहे हैं, मतलब आपको बिल्कुल बैक पेन नहीं होगा। तो ये देखिए ऐसे रास्ते हैं भाई, बीच बीच में ऐसा तालाब है और ये गंदा पानी है, पूरा मिट्टी है तो डेप्थ पता नहीं चलती, तो बहुत ध्यान से जाना है। धुलवा के गाड़ी लाए थे भाई हम यहाँ। ये देख रहे हो रास्ता ऐसे लग रहा है ना, नहा धो के साला कीचड़ में कूदे। होता ना आप कहीं किसी से मिलने जा रहे हो एकदम बढ़िया रेडी वेडी होके नहा धो के एकदम सेंट वेंट मार के और घर से निकलो और गलती से जाके नाले में गिर जाओ, फिर वैसी हालत जो होती है ना वैसी हालत होने वाली है हमारी GS की। एकदम रेडी करके लाए थे भाई, एकदम धुला धुला के। आराम से आना, मैं थोड़ा आगे हूँ, बस को जाने दो, उसके बाद पानी है गहरा थोड़ा, ध्यान से आना। तो ये देखिए रिवर बह रही है और काली गंडकी इसलिए इसको बोलते हैं ना, इसका पानी आप देखो एकदम ब्लैक दिखता है, एकदम ब्लैक पानी दिख रहा है एंड पूरा रास्ता भाई, पूरे रास्ते में ये नदी का ही पानी बह रहा है, मतलब जो पहाड़ों से आता है वही पूरा रास्ते में बह रहा है और उसकी वजह से मड बहुत ज़्यादा है। आ जाओ स्वतंत्रा भाई, कहाँ रह गए? आ गए ना, पीछे ही रहो, चलते हैं लीड करते हुए। तो ये पूरी सिल्ट है भाई, पूरी यहाँ से चढ़ाना ऊपर, ठीक है? अभी थोड़ा रोड ब्लॉक मिल गया, ये देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आधी रोड में ही जगह है और इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो साइड में 2 ट्रक्स फंसे हुए हैं एंड उसकी वजह से तुम्हें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। रुकना रुकना, मेरे को जाने दो पहले। तो यहाँ हम साइड में लगाएंगे गाड़ी अपनी। रुकना पड़ा 10 मिनट बट उसके बाद रास्ता क्लियर मिला, ये रास्ता थोड़ा ठीक लग रहा है। बस फ्रेंड्स यहाँ रास्ते ख़राब हैं, बाकी ये देखिए कितना प्यारी प्यारी सीनरीज हैं। मुक्तिनाथ जाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तो मे बी आज शाम को मुक्तिनाथ से थोड़ा पहले जॉनसम में रुकना पड़े एंड देन कल मॉर्निंग मुक्तिनाथ जाएंगे। और अभी दिखा रहा है 103 किलोमीटर और जिसके लिए टाइम दिखा रहा है ऑलमोस्ट 5 आवर्स और अभी 11:40 ही हुआ है, अभी ऑलमोस्ट हमारे पास पूरा दिन पड़ा हुआ है।
तो अगर हम 5-6 बजे तक भी जॉमसम पहुंच जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है रास्ता, यहाँ से जाना है हमें। चले तो भाई, ये रास्ते पे जाने के लिए जिगर होना चाहिए, सब नहीं कर सकते ये चीज़ें। मैं जाता हूँ पहले, फिर स्वतंत्रा को पीछे बुलाएंगे। तो भाई साहब, अपनी GS में दम है कितना, वो आज देखना है। एंड ये बस हो गया। हाँ भाई, अब अभी स्वतंत्रा क्रॉस करेगा ये। तो ये देखिए, ऐसे रास्ते में GS जब चलाते हैं ना, क्या ब्यूटीफुल लगता है ये। देखो, ऐसे लगता है ना कि कोई एकदम सुपर हीरो आ रहा है। चलते हैं आगे। एंड इंडिया से बहुत सारे लोग आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं। वो देखिए सामने गाड़ी जा रही है, क्रेटा MP की है वो, MP09 आई थिंक, MP09 शायद इंदौर है। भाई साहब बहुत डर लग रहा है। ये देखो पहाड़, वो देखो मिट्टी गिर रही है भाई। अभी मैं सामने गिरी जस्ट, ये पहाड़ अभी गिरे हैं, लैंडस्लाइड हुआ है। तो ये भोलेनाथ रक्षा करिएगा, ये हम राइड सफल कर पाएँ। ये देखिए अभी जस्ट गिरा है, अभी एकदम फ्रेश लैंडस्लाइड हुआ है। वो देखो ऊपर से गीला, अभी मैंने क्रॉस किया तो अभी जस्ट गिरा है भाई ये पहाड़ पत्थर। तो भाई साहब रिस्की है, बट करेंगे, द राइड मस्ट गो ऑन। कुछ भी हो, ये राइड रुकेगी नहीं। अब वही प्लान है कि जॉमसम में एक बार पहुंच जाएं, फिर वहां देखते क्या है। नहीं, यस, बहुत मज़ा आ रही है भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा ये, लाइफ टाइम अचीवमेंट रहेगा। आप लोग भी एंजॉय करते रहिए व्लॉग, अभी तो आधी जर्नी भी नहीं हुई है हमारी। एक बार हम मस्टैंग कंप्लीट करते हैं, देन होगा कि भाई हमने आधी जर्नी कंप्लीट कर ली है, किला फतेह कर लिया है। मस्टैंग जाना है, फिर वापस आना है, फिर वापस जब आएंगे तो पोखरा पहुंचेंगे, फिर पोखरा से वापस प्लान है कि काठमांडू जाएंगे, एंड देन जाएंगे वापस घर लखनऊ। एकदम से गड्ढा है, आराम से देख के आना स्वतंत्रा भाई, एकदम से कूद जाएगी गाड़ी वहाँ पर, गड्ढा एकदम से है। तो ऐसे देखते हुए चल रहे हैं। जो बीच बीच में मैं बोल रहा हूँ, ये स्वतंत्रा भाई से कनेक्टेड हूँ तो इंटरकॉम पे हम बात करते रहते हैं। तो ऐसे रास्तों में अपने साथ ही यानी को राइडर को छोड़ के नहीं जाना है। तो जहाँ पे भी आउट ऑफ साइड जाते स्वतंत्रा भाई, तो मैं रुक जाता हूँ थोड़ा। ये देखिए मिरर में देखते चलता हूँ कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि इस कंप्लीट रूट इज़ अनसर्टेन। एंड ये राइड करने के लिए ना भाई जिगर होना चाहिए और दम भी होना चाहिए अपने हाथ पैरों में, कि कभी आसान तो कभी कठिन है ज़िंदगी की ये सड़क, तो भर ईंधन जुनून का यूँ ही चलता जा बेधड़क। बताइएगा कैसी लगी आपको ये लाइन। ये देखिए भाई क्या रास्ता आया है। आराम से आराम से, हाँ लेफ्ट वाला लो, लेफ्ट वाला, हाँ ये राधे पे जाके रुक जाना। चलो अच्छा चलते रहो, सही है। तो भाई साहब यहाँ देखिए, कीचड़ ही कीचड़ है। ऐसे रास्ते में कभी आप गए हैं क्या, कमेंट करके बताइएगा, कभी आपको ऐसा रास्ता मिला है। एंड ये रूट कवर करने के बाद मैं बाइक की हालत भी दिखाऊंगा कैसी हो गई, एंड अपनी भी। अभी हम यहाँ रुके, थोड़ा चाय पियेंगे। ये जगह है लामा खेत, पहाड़ का भी नाम है लामा खेत। और अपना जो हुलिया है ना, वो बहुत ऐसा कुछ हो गया है देखिए। तो ये है शूज़ हमारे, और ये है बाइक। ये देखिए क्या हाल हो गई। यहाँ हम पियेंगे चाय, देन आगे बढ़ेंगे। तो भाई चाय पी चुके हैं और निकलते हैं आगे की जर्नी को। फिर पूरा रास्ता ऑफ रोड है और अभी हमें लगने वाले 4 से 5 घंटे। और ये रास्ता ऐसे ऐसे रास्ते पर कटे हुए, ज़रा सा धोखा भी भाई जानलेवा हो सकता है, मतलब ज़रा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। तो अभी एक ब्रिज है भाई जिसे क्रॉस कर रहे हैं, ये देखिए। ये क्रॉस करके फिर से देखते हैं कैसा रोड है। थोड़ा सा रोड अच्छा मिला था, एंड देन ये ब्रिज आ गया।
तो ये देखिए यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, तो यहाँ बुलडोजर अपना काम कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है। ओ हो हो भाई, क्या सीन है, क्या व्यू है। मतलब आप इतना ऑफ रोड करके आएंगे ना, परेशानी होगी ही नहीं, रोड से परेशान होंगे राइड करने, बट ये सीन ना, ये नज़ारे देख के आपकी आत्मा खुश हो जाएगी भाई। जो राहत मिलेगी आपकी आंखों को, आपकी सोल को, वो कोई मैच नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये वाटरफॉल, और ये अभी रिसेंट जो लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है उनके पत्थर अभी नीचे पड़े हुए हैं, तो रास्ता जाने भर का थोड़ा क्लियर है अभी। देखिए जैसी भी खड़ी है, ये सब इसी काम के लिए आती हैं यहाँ पे। एंड लैंडस्लाइड यहाँ पे बहुत कॉमन सी चीज़ है, मतलब बहुत ऑफन होती रहती है, बट एक बार बारिश ख़त्म हो जाती है तो थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। तो अगर आपको नेपाल घूमने आना है तो आप सितंबर एंड में आइए या फिर उसके बाद आइए। तो भाई स्वतंत्रा भाई स्पीड अप करने का सिग्नल दे रहे हैं, चलो थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, रोड अच्छी मिल गई है। तो देखो ट्रक वाला भाई बहुत कोशिश कर रहा है, चढ़ा नहीं पा रहा है, फंस गया है। तो पूरा रोड में कीचड़ कीचड़ है, एंड वो ट्रक है उसके पीछे एक बोलेरो है, एंड उसके पीछे एक और गाड़ी है। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, एक बार ये लोग निकाल के लाएंगे तभी उसके बाद ही जा सकते हैं। तो हैवी ड्राइवर स्पॉटेड भाई, ये हैवी ड्राइवर था निकाल ले गया। तो चलते हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड अभी हुआ है लग रहा है थोड़े देर पहले। पत्थर है बहुत बड़ा सा, देखना। तो ऐसा रोड है भाई, एकदम किनारे, एकदम हम चल रहे हैं और एकदम किनारे खाई है भाई, जरा सा चूके तो सीधे गंडकी रिवर में जाएंगे और गंडकी रिवर सीधा नीचे पहुंचाएगी, इतना तेज पानी है उसका। तो अपन जहाँ चल रहे हैं ना, देखो जरा से चुके तो नीचे जाएंगे, बट हमें ऊपर जाना है तो हम नीचे नहीं जाएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सपोर्ट करिए, लाइक करके, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल का, उसके बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। भाई साहब, भाई भाई साहब, तो अपने जो भी सस्पेंशन है, शॉकर्स हैं, वो बॉटम आउट हो जा रहे हैं। ये देखो ऐसे बस आ जाती है, जरा सी पतली सी रोड है, रास्ते हो जाते हैं बंद। तो भाई साहब रोकना पड़ा, मुक्तिनाथ। ये देखो भाई, ये सब लैंडस्लाइड के नतीजे। तो यहाँ पे रुकना नहीं है और रिस्की रोड है बहुत ज़्यादा। तो ये देखो भाई, पानी पूरा बहके जा रहा है नीचे, ये देखो, एंड निकाल लिए। ये देखो सब फटा है, ज़मीन खिसक गई है, लैंडस्लाइड हुआ है, माउंटेंस से ऊपर से पत्थर सारे गिर गए नीचे। भाई अपनी पूरी आधी बाइक डूब गई इसमें तो क्या हो गया। चलो ये देखिए वाटरफॉल कितने ऊपर से नीचे आ रहा है, वो देखिए ऊपर से आ रहा है नीचे। और ये वाटरफॉल इतनी दूर है, लेकिन इसके सामने आने पर यहाँ पर अलग ही ठंडक महसूस हो रही है, मतलब पूरी हवा ठंडी हो जा रही है इतने से वाटरफॉल से। तो यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, मलबा है पूरा। ये देखिए ये बाइक है और ये है वाटरफॉल। कहीं कहीं ऐसे रोड है, आ जाओ निकल जाओ, मोहन देती है मैंने, कहीं कहीं ऐसे रोड है भाई, देखो जानलेवा एकदम, जरा सी रोड है उसमें भी ये ट्रक आ जाते हैं। ये देखो नीचे खाई, तो गया भाई, इतना पतली रोड थी कि पहनिया टकरा गया मेरा, पता नहीं डैमेज हुआ या फिर बच गया, देखते हैं। स्वतंत्रा भाई से पूछता है क्योंकि वो पीछे फॉलो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ओके, बच गए भाई, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अभी तक सब बढ़िया चल रहा है, सब स्मूथ चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है।
तो ये देखिए रास्ता देख रहे हैं ना भाई, एकदम डर लग रहा है, पूरे रास्ते में डर है। हिम्मतें मर्दा तो मदते घुता, मतलब अगर आपके पास हिम्मत है तो भगवान भी आपकी मदद करेगा। तो ये क्रेटा जो बीच में मिला था, इनकी वजह से रास्ता हो रहा है ब्लॉक, तो हम इनको ट्राई करेंगे क्रॉस करने का। आराम से आराम से आराम से, टेक इट इजी। पहुंच गया? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलेगा। तो स्वतंत्रा भाई स्किड हो गए पीछे, बट फॉर्चुनेटली बच गए, गिरने से, फेल ऑफ होने से बच गए। तो आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, बट मेरे को इंटरकॉम में आ रही उनके चिल्लाने की आवाज़, पैर नहीं लग रहा, पैर नहीं लग रहा। ये देखो दो लोग धक्का मार रहे हैं, कार की हालत हो गई ख़राब, और अपनी GS जा रही है बड़े आराम से, मज़े से। ये देखो, तो ये देखिए बढ़िया सा ब्रिज मिला और हमें मिला मौका इनको ओवरटेक करने का। आराम से आराम से आराम से, मत भगाना। तो बहुत बढ़िया, यस, या अपने ऊपर है पहाड़ और नीचे है रोड, एंड ये थोड़ा चल रहा है सावर, तो थोड़ा भीग लेते हैं। हाँ, बारिश नहीं है, ये पहाड़ों से गिरने वाला पानी है। ये देखो बीच में, तो इसको काट के, ये पहाड़ पूरा काट के रोड बनाई गई है। तो ये देखिए कितना भयंकर लग रहा है सामने वाला पहाड़। ये एंट्री देखिए, ये रूट देखिए आप, पहाड़ ऐसे ऊपर है, ऐसे पहाड़ है, नदी है, और रूट नीचे से है। तो ये अपने ऊपर पहाड़ है, अपने ऊपर पूरा पहाड़ कटा हुआ है ऐसे, देखिए इतना डर लगता है भाई, भयंकर। पूरा रास्ता ऐसे ही है अब, और इधर खाई, दिल निकल के मुंह में आ जाएगा इस रास्ते में आएंगे तो, ये गारंटी है। बट उतना ही एडवेंचर, उतना ही मज़ा आएगा, उतना ही एक्सपीरियंस मिलेगा। तो भाई साहब ये फर्स्ट टाइम है, एंड फर्स्ट टाइम भाई जा रहे हैं सीधा मस्टैंग, तो समझ रहे हो डेडिकेशन लेवल और जिगरा। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, बहुत सारे व्यूज़ आने चाहिए। ये देखो भाई नदी और ये रोड और ये अपने ऊपर पहाड़। तो हम लोग हर जगह, मतलब कहीं कुछ अच्छा लगता है तो रुक के फ़ोटो वोटो निकालते हैं, बाकी फिर कंटिन्यू कर देते हैं राइड को। तो ज़रा सा रास्ता है, ऊपर से हो रही है बारिश, बारिश मतलब बादलों वाली बारिश नहीं है, ये जो पानी बह रहा है ना पहाड़ों पे, तो ऊपर से सावर्स आ रहे हैं, एकदम लाइट सावर्स है। तो जब वो सामने पड़ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ख़तरनाक रास्ता है भाई, बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। ज़रा सा रास्ता है राइट में देखे, और ये पूरा कीचड़ मिट्टी वाला रास्ता है, ये देखिए पूरी मिट्टी कटी हुई है, जरा सी बची है, एंड अपनी GS निकल जाए बस। थैंक गॉड सेफली आ गए। तो भाई अभी हम लोग आए हुए खतरों के खिलाड़ी में, और हम ही पार्टिसिपेंट हैं और हम ही विनर होंगे। और ये रियल वाला, यहाँ कोई सेटअप नहीं है। ये देखो भाई साहब, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस वाली वीडियो पे, एंड भर भर के कमेंट, ये चलते रहो भाई। तो ये वाले व्लॉग आपने वायरल करवा दिया ना भाई, तो कसम से कह रहे हैं मजा आ जाएगी, इतना रिस्की व्लॉग। तो अभी बचा है 53 किलोमीटर, डिस्टेंस जल्दी शॉर्ट हो ही नहीं रहा है, पहाड़ों में 1 किलोमीटर भी कवर करने में भाई बहुत टाइम लगता है। ये देखो भाई, ये गिर गया पहाड़, यहाँ पे खसक के नीचे आता है, और यहाँ पे मिट्टी आप देख रहे हैं एकदम ब्लैक है, एकदम ब्लैक कलर की मिट्टी है। तो पहाड़ों से जब पानी बह के आ रहा है ना, तो उसमें यही मिट्टी बह के आ रही है साथ में, इस वजह से इस रिवर का जो पूरा पानी है वो आपने देखा होगा अभी तक व्लॉग में, जहाँ भी दिख रहा है वो ब्लैक कलर का है, तो पूरा ऐसा गंदा सा पानी दिखता है। ये देखो, तो भाई ये पानी आ गिर रहा है और इस रोड के नीचे से इधर निकल रहा है, और ये बस ऊपर थोड़ी सी रोड है, मिट्टी पहाड़ के पत्थर है उसी पे टिका हुआ है, और इसके ऊपर से हम जा रहे हैं।
राम भाई साहब आठ फक गिर गई बाइक। चलो चलो वन टू चलो वन टू इस साइड आ जल्दी खींच अपने साइड। अरे भाई आ ना इस नहीं छोड़ा है चल साइड। तो यहाँ पे इसलिए रुकना पड़ गया क्योंकि हम गिर गए थे भाई, फेल डाउन हो गई थी अपनी बाइक। ये रूट पे पूरा पत्थर है तो थोड़ा रुकने के बाद अब वापस जा रहे हैं ऊपर। तो फिर से हमने राइड कंटिन्यू कर दी थोड़ा रेस्ट लेके। तो कितना आई थिंक 3 से 4 बार अपनी बाइक गिर चुकी है, बट ये अच्छी बात है कि कोई डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है, इतना कठिन रास्ता है। और अभी जा रहे वापस आके फिर यही रूट से जाना है। तो अभी अभी तो सफ़र आधा भी नहीं हुआ है। एक जगह तो कीचड़ था तो वहाँ पे ऐसा लगा कि निकल जाएगी, लेकिन दलदल था तो सरमित्रा भाई की बाइक वहीं घुस गई। और एक जगह भाई पत्थर पड़ा था, मैंने सोचा पत्थर से निकाल लेते हैं, तो अपना फ्रंट व्हील 2 पत्थरों के बीच में फंस गया था। इधर से सीधा सीधा निकाल लेते, इधर तो पत्थर इतना नहीं है। आ जाएगी, हाँ गिराना मत। ओए ओए रुक जा रुक जा। हाँ गिर गए क्या? आते रुको फ्रेंड्स। फाइनली बहुत सारा हसल करने के बाद अब जाके थोड़ी अच्छी रोड मिली है, बट अभी भी लगभग 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं जॉमसम पहुंचने में। शुक्र है भोलेनाथ का जो कृपा बनाए रखे हुए हैं, और अपनी बाइक का भी जो अभी तक साथ दे रही है। और जॉमसम पहुंचेंगे तो फिर वहां पे स्टे करना ही पड़ेगा क्योंकि रात होने वाली है, पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। यहाँ चेक पॉइंट पे अब होगी चेकिंग। अभी फ्रेंड्स अभी हम लोग मुस्तांग डिस्ट्रिक्ट एंटर कर चुके हैं, एंड अभी भी हमें काफ़ी दूर जाना है। 7:14 हुआ है तो रास्ते में थोड़ा सा इशू हो गया था, बाइक अपनी काम नहीं कर रही है अच्छे से, तो एक्सेलरेट कर रहे हैं तो खींच नहीं पा रही है। आई थिंक क्लच प्लेट में इशू आ गया है, तो ये देख रहे हो आप खींचने पे बढ़ नहीं रही। तो अभी धीरे धीरे जा रहे हैं, एंड अभी हमें कवर करना है अराउंड 20-25 किलोमीटर तो आएगा जॉमसन। तो देखिए रात हो गई है, पहाड़ों में रात में चला रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। पहुँचे हैं मार्फा एंड टाइम हो गया है 7:43, बहुत लेट हो गया है। एक्चुअली कल ही प्लान था हमारा मुक्तिनाथ जाने का, एंड मुक्तिनाथ से पहले जॉमसन में स्टे करने का, देन आज मॉर्निंग मुक्तिनाथ जाने का। बट क्योंकि रात हो गई थी पहुँचते पहुँचते, यहाँ पे 7-8 बज चुके थे एंड ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही थी, और जो रास्ते भर में हमने भाई एक्सट्रीम एडवेंचर किया, मतलब रास्ते में हमारी बाइक्स मल्टीपल टाइम्स फेल ऑफ हुई, एंड अभी ऐसा लग रहा है बाइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होने लगी है, मतलब एक्सेलरेट करने पर पिकअप नहीं ले रही है, लग रहा है कि क्लच प्लेट जाने वाला है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि आज यहीं रुकेंगे। आई होप अभी तक का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे का जो रूट है यहाँ से लेकर मुक्तिनाथ, वो आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी जो हम जर्नी स्टार्ट करेंगे एंड जो व्लॉग स्टार्ट करेंगे वो यहाँ मार्फा से स्टार्ट करेंगे मुक्तिनाथ तक, तो वो आपको देखने मिल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो
तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग एफर्ट जो हम डाल रहे हैं, जो डेडिकेशन, तो उसके लिए भाई सपोर्ट करिए, अपना प्यार बनाए रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।